नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सड़क पर बिना हेलमेट के दो पहिया दौड़ाने वाले के पीछे लाठी लिए दौड़ते सिपाही का नजारा तो आंखों के लिए आम है, लेकिन मंगलवार को नौबस्ता के बसंत बिहार चौराहे की सड़क पर बिल्कुल अलग ही किस्म का नजारा दिखा। यहां बिना हेलमेट लगाए बाइक चला रहे एक सिपाही को कुछ नशे में धुत लड़कों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इसे देखकर राहगीर तमाशबीन बनकर खड़े हो गए। देखते ही देखते चौराहे पर जबरदस्त जाम लग गया। इस बीच किसी ने पुलिस को फोन मिला दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सिपाही को पीटने वाले एक युवक को हिरासत में ले लिया, जबकि उसका दूसरा साथी भाग निकला। हमलावरों का शिकार बने ट्रैफिक सिपाही राम कुमार नौबस्ता के गल्ला मंडी में रहते हैं। मंगलवार की रोज उनकी ड्यूटी गोविंद नगर के PRB चौराहे पर लगी थी। वह नौबस्ता हमीरपुर रोड होते हुए गोविंद नगर जा रहे थे, तभी बसंत बिहार चौराहे पर उनके साथ यह घटना घट गई। सिपाही ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि उनकी बाइक को दो युवक ने रोका, उनकी वर्दी फाड़ दी गई और नेम प्लेट नोच डाली गई। मौके पर गुजर रहे राहगीरों ने बताया कि नशे में धुत ये लड़के सिपाही को बिना हेलमेट गाड़ी चलाने के लिए गाली देते हुए पीट रहे थे। फिलहाल सिपाही से मारपीट करने वाला एक लड़का पुलिस की हिरासत में है, जबकि दूसरा मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।